कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर, एसओजी का कांस्टेबल घायल। सफाई कर्मचारियों की काम छोड़ हड़ताल हुई शुरू, एनजीओ सिस्टम का कर रहे विरोध, शहर में लगे गंदगी के ढेर। और हाईवे पर आज भी एक तरफा यातायात, रास्ते में फंसी गाड़ियों को घाटी किया गया रवाना, जम्मू से यात्री वाहनों की मूवमेंट लगी रोक। नमस्कार, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज, आपके साथ मैं हूं पराग गुप्ता। कश्मीर घाटी में आतंकवाद के खिलाफ छेड़ी गई मुहिम में सुरक्षा बलों को आज एक और सफलता लगी है। सुरक्षा बलों ने घाटी के जिला कुपवाड़ा में आज हुई मुठभेड़ में दो आतंकियों को ढेर कर दिया। इस मुठभेड़ में हालांकि एसओजी का एक जवान घायल भी हुआ है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। जानकारी के मुताबिक कुपवाड़ा के कालारूस इलाके में कुछ आतंकियों की मौजूदगी की एक सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने वहां सर्च ऑपरेशन चलाया, जिस पर वहां छिपे आतंकियों ने अपने आप पर घेरा तंग होते देख फायर खोल दिया। वहीं सुरक्षा बलों ने भी मोर्चा संभालते हुए इस गोलीबारी का मुंहतोड़ जवाब दिया और मुठभेड़ में दो आतंकी ढेर कर दिए गए। मुठभेड़ में एसओजी का एक कांस्टेबल घायल हुआ है, जिसकी पहचान दानिश के रूप में की गई है। एनजीओ सिस्टम खत्म करने और जम्मू नगर निगम में पिछले कई सालों से सेवाएं दे रहे चालकों को नियमित करने समेत अन्य मांगों को लेकर सफाई कर्मचारियों ने अपने आंदोलन में तेजी ला दी है। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन के बैनर तले सफाई कर्मचारी आज काम छोड़ हड़ताल पर चले गए, जिससे जम्मू शहर में सफाई व्यवस्था चरमरा कर रह गई है। इन कर्मचारियों ने आज शहर में एक रैली निकालते हुए अपनी मांग को जोर शोर से उठाया। यूनियन के प्रधान रिंकू गिल ने चेतावनी दी कि सफाई कर्मचारियों की मांगों को अगर जल्द ही अमली जामा ना पहनाया गया तो शहर में महामारी फैलने की जिम्मेदारी सरकार की होगी। जो हमारा प्रोटेस्ट है, स्ट्राइक है, जो आज पहला दिन है स्ट्राइक का, तो मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहता हूँ कि जैसे उन्होंने कल हमारी बात जो है अपना चीफ सेक्रेटरी से की, तो जल्द से जल्द हमारी जो डिमांड जो है एनजीओ सिस्टम को ख़त्म करना जो जल्द से जल्द पूरी की जाए। जो क्रैक फेस पर हमारे ड्राइवर भाई लगे हैं, 10-10 साल से वो काम कर रहे हैं म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, लेकिन मुलाजम को आज भी दबाया जा रहा है। तो मैं ये गवर्नमेंट से कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी डिमांड पूरी की जाए, वरना अगर जम्मू में कोई भी बीमारी फैल गई तो उसके जिम्मेवार गवर्नमेंट होगी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर। मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूँ जो हमारी आवाज़ गवर्नमेंट तक पहुँचाती है, धन्यवाद। उधर सफाई कर्मचारियों की यह रैली जम्मू नगर निगम कार्यालय पहुंची, जहां इन लोगों ने सरकार व निगम के अधिकारियों के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। सिविक सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रधान रिंकू गिल ने यूनियन की मांगों को दोहराते हुए कहा कि सरकार के मात्र बैठकों से कोई मसला हल नहीं होने वाला, लिहाजा सरकार को उनकी मांगों को गंभीरता से विचार करना है। तो ये कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारी डिमांड जो है, जैसे कि एनजीओ सिस्टम स्क्रैप करना और जो 33 ड्राइवर लगे हुए हैं कनेक्ट बेस पर उनको परमानेंट करना, रीऑर्गेनाइजेशन, ये हमारे मुद्दे हैं। तो ये जल्द से जल्द पूरे करें, वरना हो सकता है स्ट्राइक हमें और लंबी लेकर जाना पड़े। तो जैसे इन्होंने कल हमारी चीफ सेक्रेटरी के साथ मीटिंग करवाई, तो मीटिंगों से हल नहीं होगा, काम करें ये हमारे लिए। मंत्री साहब के रिस्पेक्ट करते हैं कि जल्द से जल्द जो हमारी डिमांड है वो पूरी करें, क्योंकि अगर शहर में गंदगी फैलने से कोई बीमारी फैलती है तो उसके जिम्मेवार गवर्नमेंट होगी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर। तो मैं मीडिया का धन्यवाद करता हूं जो हमारी आवाज़ गवर्नमेंट पहुंचाते हैं। सर, अभी हमारी आज का जो स्ट्राइक है ये वन डे की है, फिर शाम तक देखते हैं, हो सका तो मजबूर न हमें स्ट्राइक कल भी करनी पड़ेगी। जम्मू श्रीनगर हाईवे के एक तरफा खुलने पर आज हाईवे पर फंसी गाड़ियों को ही घाटी भेजा गया। पिछले कई दिनों से लगातार बाधित रहने के बाद हाईवे को बीते रोज यानी कि मंगलवार को आंशिक तौर पर खोला गया था और वहां फंसी गाड़ियों को श्रीनगर की ओर सिलसिलेवार ढंग से रवाना किया गया था। वहीं आज भी उधमपुर व उससे आगे फंसे ट्रकों व अन्य मालवाहक वाहनों को ही श्रीनगर भेजा गया है, जबकि जम्मू से किसी भी यात्री वाहन को घाटी रवाना होने की इजाज़त नहीं दी गई है।
देश के अन्य हिस्सों से लगातार कई दिनों तक कटे रहने के कारण कश्मीर घाटी का आवश्यक वस्तुओं की किल्लत वहां पर देखने को मिल रही है, और यही वजह है कि फिलहाल घाटी की ओर रसद पहुंचाने वाले उन गाड़ियों को ही प्राथमिकता दी जा रही है जो पिछले कई दिनों से हाईवे पर फंसी रही थी। कश्मीर घाटी से आज न तो मालवाहक वाहनों और न ही यात्री वाहनों को जम्मू की ओर बढ़ने दिया गया। उधर श्रीनगर व जम्मू में फंसे यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए सरकार ने वायुसेना की मदद ली है, जिसके चलते यात्रियों को श्रीनगर से उधमपुर और उधमपुर से श्रीनगर पहुंचाया जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से नियंत्रण रेखा पर लगातार की जा रही फायरिंग को लेकर पैंथर्स पार्टी ने चिंता जाहिर की है। पैंथर्स ने केंद्र सरकार से मामले को संयुक्त राष्ट्र के सामने गंभीरता से उठाने की मांग की है। जम्मू में आज बुलाई बैठक में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, इसको संबोधित करते हुए पार्टी के चेयरमैन हर्षदेव सिंह ने कहा कि पाकिस्तान ने सीमाओं पर दहशत का माहौल पैदा कर दिया है जो चिंता का विषय है। साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए ठोस नीति बनानी चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान को सीमाओं पर ऐसी हरकतें बंद करने का दबाव डाल सके। जिस तरीके से पाकिस्तान ने बॉर्डर्स के ऊपर एक दहशतगर्दी का माहौल बनाया हुआ है, वो न केवल एक चिंता का विषय है बल्कि भारत सरकार के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि इस मसले को पूरी मजबूती के साथ, पूरी शिद्दत के साथ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के समक्ष उठाया जाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन के समक्ष उठाया जाना चाहिए, और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो एक माहौल जो है वो पूरे विश्व में बनाना होगा, इसको आइसोलेट करना होगा। जो आंकड़े कल पार्लियामेंट में भी दिए गए उनमें सरकार ने खुद तस्लीम किया कि पिछले वर्ष में ही 228 बार एलओसी के ऊपर जो है पाकिस्तान द्वारा फायरिंग की गई और 221 केसेस सीज फायर वायोलेशन के इंटरनेशनल बॉर्डर्स के ऊपर हुए, और इसमें यह भी बताया गया कि 21 लोग जो है वो पिछले वर्ष उनकी जाने गई, जिसमें 13 सिविलियंस और 8 आर्मी के लोग थे, और सैकड़ों की तादाद में लोग जख्मी हुए। और इस वर्ष भी जिस तरीके से मौजूदा जो स्थिति चल रही है वो चिंताजनक है। नौशहरा के डींग गांव के लोगों ने वहां एक और आंगनवाड़ी सेंटर खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। इन लोगों का कहना है कि वो पिछले कई सालों से इस मांग को लेकर सड़कों पर उतर रहे हैं, लेकिन सरकार इस मामले में कोई भी कदम नहीं उठा रही। साथ ही उन्होंने कहा कि वार्ड नंबर 5 में खोला गया आंगनवाड़ी सेंटर यहाँ से करीब 2.5 किलोमीटर दूर है, जहाँ छोटे छोटे बच्चों को पहुँचाना परिजनों के लिए काफ़ी परेशानी का सबब बन जाता है। आंगनबाड़ी सेंटर चाहिए, असें बच्चे बड़ी मुश्किल है, दो बच्चे लेके उत्थे जाने वास्ते बड़ी मुश्किल है, बारिश में भी मुश्किल है, 2.5-3 किलोमीटर दूर जाना पैंदा असें, इस कारण कि असें आंगनबाड़ी 6 नंबर वार्ड चाहिए। बड़ी परेशानी है, बच्चे दूर जाते 2 किलोमीटर जगह है तो बड़ी परेशानी है। 10 साल तो अस इंतजार है कि आंगनबाड़ी मिलेगी, आंगनबाड़ी नहीं मिली, कुसै सुनवाई नहीं की, आंगनबाड़ी दी जाए। 6 नंबर वार्ड स्कूल आंगनबाड़ी नहीं है जी, और असंकी जल्दी से जल्दी स्कूल मिलना चाहिए। अगर नाला है बच्चे टप नहीं सकते नाला, तो असा स्कूल नहीं किसा मिलना, दो चार दिन जेडे बच्चे की छुट्टी हो जाती है, स्कूल नहीं जा सकते, और असंकी स्कूल मिलना चाहिए। बड़ी परेशानी है, 60-70 बच्चे सारे जेडे खज्जल हो रहे, और जल्दी में जल्दी असंकी ये स्कूल मिलना चाहिए। लोगों का कहना है कि चुनावों के दिनों में कई पार्टियों के नेता यहां आंगनवाड़ी सेंटर खोलने का वादा करते हैं, लेकिन चुनाव होने के बाद ये नेता इस वादे को भूल जाते हैं। वो पिछले कई सालों से सरकारी अधिकारियों और विधायकों के चक्कर काट रही हैं, लेकिन कहीं भी उनकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। कि इस गांव में सर बहुत बड़ी एक समस्या है, जो 2013 से मैं खुद जाके लड़ रहा हूं इसके लिए, कोई सुनाई नहीं हो रही, सिर्फ आके इलेक्शन के दौरान में आके वादे करते हैं। हमारी ये माताएं बहनें आप देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे बारिश के दौरान में ये कीचड़ में जो है बेचारे परेशानी से जो है वहाँ पहुँचते हैं, 2-2.5 किलोमीटर का लंबा सफ़र है, बीच में नाला है, और ये औरतें दूसरा कोई काम नहीं कर सकती, क्योंकि एक बार बच्चे छोड़ने जाना है, फिर बच्चे
और लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी इस मांग को जल्द ही पूरा ना किया गया तो वो इसके विरोध में सड़क बंद कर आंदोलन करना शुरू कर देंगे। हम मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है आपके माध्यम से, अगर इस मसले का हल नहीं हुआ तो हम बहुत लंबी इसके लिए जो है जदोजहद करेंगे और रोड को जो है वो हम बंद करेंगे। मैंने कई बार जाकर, स्वयं मैंने जाके CDPO साहब से भी बात किया, मैंने MLC MLA और मिनिस्टरों के पास भी जाकर गुहार लगाई कि मेरे गांव में ये बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं। सर उस वक्त वादे करते हैं, जब समय निकल जाता है तो उसके बाद कोई हमारी सुनाई नहीं करता। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल की पार्किंग से वाहनों की चोरी पर लगाम लगाने के लिए वहाँ CCTV कैमरे लगा दिए गए हैं, जिस पार्किंग की ठेकेदार की ओर से CCTV कैमरे लगाए गए हैं ताकि चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। गौरतलब है कि अस्पताल की पार्किंग में अक्सर चोरी की घटनाएं सामने आती रहती हैं। CCTV वगैरह कैमरे वगैरह लग जाए, कोई गलत आदमी कोई गाड़ी मिसप्लेस या आगे पीछे पूरा ध्यान है, खासकर मोटरसाइकिल पार्किंग से बाहर लगाए होते हैं लोगों ने, उधर से फिर ले जाते शराब कर लेता कोई। अब कैमरे वगैरह लग जाएंगे, कोई और कोई बड़ी बहुत बहुत सी सुविधा आ जाएगी, गलत आदमी नहीं कोई कुछ नहीं हो रहा, इसलिए हमने लगवाया। वही लोगों ने पार्किंग में ठेकेदार की ओर से CCTV कैमरे लगाने की सराहना की है, साथ ही उन्होंने अस्पताल प्रबंधन से OPD समेत अन्य स्थानों पर भी कैमरे लगाने की मांग की है ताकि वहां भी हो रही चोरियों पर लगाम लगाई जा सके। काफ़ी अच्छा एक स्टेप लिया, इनिशिएटिव लिया है कि कैमरे काफ़ी जगह इन्होंने लगाए हुए हैं। जहाँ के जो ठेकेदार हैं संजीव जी, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है कि काफ़ी थोड़े दिन पहले जहाँ पे एक ऑटो चोरी हो गई थी यहाँ पे, तो अभी तक उसका कोई पता चला नहीं है, पर उसके बावजूद जो इनिशिएटिव लिया गया है ठेकेदार की तरफ से वो बहुत ही अच्छा मतलब एक स्टेप है। मैं चाहता हूँ कि ऐसे जो पहली बार ऐसा हुआ है कि ठेकेदार ने अपनी जेब से खर्च करके जहाँ पे कैमरे लगवाए हुए हैं, तो इसी तरह में बाकी भी जो यहाँ पे पार्किंग है यहाँ पे वो लोग भी ऐसा ही करें तो काफ़ी हद तक जो चोरी जो है वो रुक सकती है। इसके साथ ही मैं हॉस्पिटल प्रशासन जो है प्रिंसिपल साहब जी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ पे भी OPDs हैं, जहाँ पे रश होता है वहाँ पे भी कैमरे लगाए जाएं। जम्मू शहर के बीचों बीच स्थित गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मुख्य गेट के बाहर सड़क मार्ग पर लगाई गई ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स खराब पड़ी हुई हैं, जिससे मरीजों को लेकर अस्पताल में आने वाले वाहन गेट के सामने अक्सर जाम में फंस जाते हैं। हालांकि जम्मू शहर के कई चौक चौराहों पर लगी ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स खराब हैं, लेकिन अस्पताल के गेट के बाहर लगी सिग्नल लाइट के खराब होने से मरीजों को लेकर वहां आने वाले तीमारदारों को खासी परेशानी पेश आती है। इस चौक में जो रेड लाइट है वो नहीं चल रही है, अस्पताल है यहाँ पर, लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर, मरीज आते हैं, एम्बुलेंस फंस जाती है, ट्रैफिक जाम होता है, लोगों को बड़ी दिक्कत होती है यहाँ पर, तो हम लोगों को डिपार्टमेंट कंसर्न डिपार्टमेंट से करते हैं कि वो ये सारी लाइटें जल्द से जल्द ठीक कराएं। मीरा साहिब स्थित तारपीन फैक्ट्री पिछले लंबे अरसे से बंद पड़ी हुई है। इस फैक्ट्री में कभी सैकड़ों की तादाद में लोग काम किया करते थे और ये हजारों लोगों के लिए रोजगार का साधन थी, लेकिन आज ये एक जंगल का रूप धारण कर चुकी है। यही नहीं, इसमें लगी करोड़ों रुपए की मशीनरी भी धूल फांक रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि फैक्ट्री कभी जम्मू की पहचान हुआ करती थी, लेकिन सरकार की गलत नीतियों के चलते इसे बंद कर दिया गया। साथ ही उन्होंने मौजूदा सरकार से इस फैक्ट्री को दोबारा शुरू करने की मांग की है। ये पिछले 20-25 साल से ये बंद पड़ी है और इस फैक्ट्री की 100 एकड़ से ऊपर की लैंड है जो अभी तक मिसयूज और यहाँ जंगल बन चुका है, और इसके जो फैक्ट्री की हालत है बहुत ही बिगड़ चुकी है, और सरकार को कई बार हम स्थानीय लोगों ने और कई लोगों ने हमारे इलाके के लोगों ने इनको अप्रोच किया कि इस जगह का कुछ ना कुछ इस्तेमाल में लाई जाए इस जगह को। ये रोजन फैक्ट्री है, ये तकरीबन 25-30 साल की बंद पे दी है, और सरकारी जो मुलाजम जो काम करते उन्हें कुछ नहीं मिले। भी अब चाहते हैं कि इस फैक्ट्री की दोबारा चालू किया जा ताकि लोगों रुजगार लगे, हजारे तादाद इतने मुलाजम जो काम करते हैं। जम्मू का एक इतिहास है रोजन फैक्ट्री और बिलो फैक्ट्री, कांग्रेस सरकार ने इस इतिहास की बंद करने वास्ते बिलो फैक्ट्री और रोजन फैक्ट्री जी दो फैक्ट्री जीडिया ने 25 साल दिन दो बंद पे दिए ने। अब सरकार की इे डिमांड करने, अगर BJP सरकार है जम्मू इतिहास की कीमत रखने वास्ते
क्योंकि किताबें लिखिया पढ़ी ही कि बरोजा फैक्ट्री बिलो फैक्ट्री जी है ये चलती है। अस डिमांड इे करने कि इस फैक्ट्री दोबारा चालू किया जा। नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के हक में लंबे डीए की किस्त जल्द जारी करने की मांग की है। जम्मू में नेशनल मजदूर कॉन्फ्रेंस के बैनर तले बुलाई गई एक बैठक के दौरान संगठन के प्रधान सुभाष शास्त्री ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती से जुलाई 2016 से लंबित यह किस्त जारी करने की मांग करते हुए कहा कि इसे जारी किया जाता है तो इससे कर्मचारियों और वेतन भोगियों को महंगाई से काफ़ी हद तक राहत मिल सकती है। शास्त्री ने मुख्यमंत्री से कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में जल्द ही ऐलान करने की मांग की। महबूबा जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप राज्य सरकार के कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों के हक में जुलाई माह से 7% महंगाई भत्ते की किस्त जल्द जारी करें ताकि कर्मचारियों तथा पेंशन भोगियों को जो बढ़ती हुई महंगाई से कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं उनसे राहत मिल सके। मुझे आशा है कि जब भी मंत्रिमंडल की बैठक होगी उसमें महंगाई भत्ते की किस्त जारी करके कर्मचारी वर्ग को राहत पहुंचाई जाएगी। और पीओके रिफ्यूजियों की ओर से विजयपुर में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें कई संगठनों से संबंध रखने वाले पीओके रिफ्यूजी नेताओं ने भाग लिया। बैठक में केंद्र की ओर से दिए गए राहत पैकेज को हासिल करने में आ रही परेशानियों की चर्चा की गई। इस मौके पर पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता मंजीत सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने इस पैकेज को हासिल करने के लिए जो औपचारिकताएं रखी हैं उन्हें पूरी करने के लिए पीओके रिफ्यूजी नाकों चने चबा रहा है। इस मुद्दे को लेकर पीओके रिफ्यूजियों का एक प्रतिनिधि मंडल राजस्व मंत्री से भी मुलाकात करेगा। जो ये वन टाइम सेटलमेंट का पैकेज जो हमारे लोगों को दिया जा रहा है इसमें जो लोगों को मुश्किलें आ रही हैं जो इसमें इसके आवंटन में जो गवर्नमेंट ने फॉर्मेलिटियां रखी हैं उस पर यहाँ पे आज चर्चा हो रही थी क्योंकि गवर्नमेंट ने इस किस्म की फॉर्मेलिटियाँ रखी हैं जो आज 70 साल के बाद लोगों को पूरा कर पाना मुश्किल हो रहा है। तो आज यहाँ हमने विचार किया है और जल्दी ही हम रेवेन्यू मिनिस्टर से इस पर मिलेंगे और इस पर बात करेंगे और जो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ लोगों को ये कागज़ देने में आनाकानी कर रहे हैं और कई लोग तो पैसे लेने का जो काम कर रहे हैं उनको हम चेतावनी देते हैं कि ये हमारा हक है और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन अड़ंगे अड़ा रही है वो अड़ंगे। मंजीत सिंह ने पीओके रिफ्यूजियों के बच्चों के लिए नौकरियों और प्रोफेशनल कॉलेजों में आरक्षण की मांग भी दोहराई। जो हमारा रिकमेंड किया था कैबिनेट ने कि हमारे बच्चों को नौकरियों में रिजर्वेशन दी जाए, हमारे बच्चों को प्रोफेशनल कॉलेजों में जो है वो पढ़ाई के लिए सीटें रिजर्व की जाएं और हम ये चाहते हैं कि हमारे लोगों के लिए डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाए जिस तरह बाकी कम्युनिटियों के लिए, चाहे वो गुजर कम्युनिटी है, चाहे वो ओबीसी है, चाहे वो पहाड़ी लोग हैं, उनके लिए बोर्ड बनाए हैं। हम चाहते हैं कि जो हम इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन हैं हमारे लोगों के डेवलपमेंट के लिए भी कोई बोर्ड बनाया जाए ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हम सीधा पैसा जो है वो ला के अपने लोगों की जो है वो तरक्की कर सके। तो नानक नगर स्थित गोरखा मंदिर में संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा जारी है जिसमें बड़ी संख्या में लोग हाजिरी लगा रहे हैं। 10 मार्च को शुरू हुए इस धार्मिक अनुष्ठान में अजय शरण जी महाराज अपने प्रवचनों के माध्यम से संगत को निहाल कर रहे हैं। संसार में जितने भी जीव हैं, पशु की अजय शरण जी महाराज जो वृंदावन से आए हुए हैं वो सतवा कर रहे हैं जो आज का पांचवा दिन है और सतवा से लोगों का कल्याण तो हो ही रहा है और जो भी जनमानस है जहाँ जो हमारे एरिया में रहते हैं उनकी सुख समृद्धि के लिए और इस देश की सुख समृद्धि के लिए जो सतवा कर रहे हैं और लोगों की भलाई के लिए ताकि उनको मोक्ष प्राप्त हो और जन कल्याण हो उसके लिए सत्कार कर रहे हैं। जिला सांबा के बाड़ी ब्राह्मण इलाके में हुई इंडियन स्टाइल रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया। इस चैंपियनशिप में जिले की 30 पहलवानों ने हिस्सा लेते हुए अखाड़े में अपने जौहर दिखाए। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के जॉइंट सेक्रेटरी शिव कुमार शर्मा इस मौके पर मुख्य अतिथि थे जिन्होंने विजेताओं को सम्मानित कर उनकी हौसला अफजाई की।
आज बड़ी ब्राह्मणा में डिस्ट्रिक्ट सांबा की डिस्ट्रिक्ट इंडियन स्टाइल रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई है, जिसमें तकरीबन 30 बच्चों ने हिस्सा लिया है। इसमें 7 वेट कैटेगरियाँ थी और जो बच्चे आज इसमें फर्स्ट सेकंड आएंगे, इसी महीने के लास्ट हफ्ते में जम्मू में स्टेट चैम्पियनशिप होगी, उसमें वो बच्चे जो हैं जाके हिस्सा लेंगे। जो बच्चे स्टेट चैम्पियनशिप में जीतेंगे, उन बच्चों को नेशनल चैम्पियनशिप लड़ाने के लिए हिंद केसरी टाइटल, जो कि साल में एक दफ़ा होता है, वो पूना में अप्रैल के लास्ट हफ्ते में हो रहा है, तो वहाँ उन बच्चों को ले जाया जाएगा। काफ़ी अच्छी इनाम की राशि वहाँ रखी गई है। स्टेट चैम्पियनशिप में भी हर साल की तरह इस साल भी बच्चों को घी और कैश अच्छा प्राइस दिया जाएगा। बड़ी अच्छी चैम्पियनशिप हुई है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला बस यहीं तक, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़।